जैसे कि आपको फ्री गैस मिल गया है या आपको खाना फ्री मिल रहा है राशन फ्री मिल रहा है ये हमको डिपेंडेंट बना रहा है देश बढ़ा रही है, वो आपका टैक्स नहीं खा रही मेरा कहना है कि दिया ही क्यों जाए जो भी चीज इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में आपकी आपके देश की बिल्डिंग कैपेसिटी बिल्डिंग करने के आड़े आती है वो क्यों दिया जाए आई में लोग बैटिंग कर रहे हैं और उससे हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग बैटिंग पे फोकस करेंगे

Well, in a freebies kai ka ya yeah, welfare schemes. Well, the fact of the matter is, no matter how you slice it, there will always be two sides to a story. And today, DNA is bringing to you DNA Debate Show to discuss the burning question in the country Is my tax for free distribution? And for this, we have our panel where Pravajya, Abhimanyu, and Ria will be speaking for the issue, and Kuldeep ji, Aditya, and Sakshi who will be speaking against it. And we have an audience. Will be raising their concern? के लिए है और देश सिर्फ एक जोग्राफिक टुकड़ा नहीं है वो लोगों से बना है तो उन लोगों की बढ़ोतरी उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए डेफिनेटली है मुझे फ्री इस वर्ड से थोड़ी चिड़ है बट क्योंकि आपने ये यूज किया है तो आई विल से कि हाँ इस तथाकथित फ्री के मैं बिल्कुल फेवर में हूँ होना चाहिए क्योंकि ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं ये बहुत लोगों को पावर्टी से निकाल पाई हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए आगे के बारे में सोचना चाहिए अभी क्यों फ्री बांट रहे हैं बट हमारे देश का एक ऐसा बहुत बड़ा तबका है जो आज भी दो टाइम का खाना तक अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों को ऐसे फ्रीबीज जो हैं ऐसे तथाकथित फ्रीबीज बहुत हेल्प करते हैं निकालने से एक दो एग्जांपल दूंगा मैं आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमारा राशन सिस्टम होता है जिसमें सब्सिडाइज और फ्री राशन मिलता है उसने एक साल में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ही कहती है सात परसेंट पॉवर्टी रेट इस देश का कम किया है एक बहुत मजाक उड़ता है फ्री लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन फ्री साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का सबूत साथी स्कीम जिसकी वजह से बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में भी विमेन एनरोलमेंट और रिटेंशन कॉलेजेस में इतना बड़ा है और इन सब स्कीम्स को पिरोती हुई एक स्कीम जो है जनधन योजना वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि जिससे खाते खुले हैं जिससे ये स्कीम्स का सारा पैसा लोगों तक पहुंचा है उसकी वजह से डेढ़ करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं तो मैं कहता हूं कि फ्रीबीज देश बढ़ा रही हैं वो आपका टैक्स नहीं खा रही हैं आदित्य जैसा अभिमन्यु ने कहा कि वो कह रहे हैं कि एक इमीडिएट नीड है और असर दिखा है डब्ल्यू की रिपोर्ट उन्होंने कोर्ट की वट्स योर काउंटर टू इट मेरा काउंटर अभिमन्यु को लेकर ये है जो उन्होंने बात कही है फ्रीबीज को लेकर कि फ्रीबीज जो है कहीं ना कहीं आ, हमारा देश जो है वो एक टुकड़ा नहीं है लोगों से बना है और लोगों को काफ़ी पावर पावर कर पावरफुल कर रहा है या डेवलप कर रहा है लेकिन मेरा मानना है कि फ्रीबीज जो है वो आप देखें लगातार कि हम पिछले कई दशकों से फ्रीबीज की जो पॉलिसी है उ, उसको अपना रहे हैं लेकिन क्या अब हकीकत में गरीबों की संख्या कम हुई इसको लेकर आर की एक अधिकारी हैं असीमा गोयल उन्होंने बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट दिया है कि फ्रीबीज जो होता है वो कभी भी फ्री नहीं होता है लॉन्ग टर्म के तौर पर अगर देखें तो उसे हमें कहीं ना कहीं पे करना पड़ता है अगर आप भारत की अलग अलग इलाकों में जाएं तो आपको पॉवर्टी दिख जाएगी अगर आप फ्रीबीज की बात करें और पीएम मोदी ने भी फ्रीबीज को लेकर कहा है कि फ्रीबीज की जो पॉलिसी है वो बहुत ही ज़्यादा भारत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत हित में नहीं है अगर आप दिल्ली की बात कर लें आपको पता है कि दिल्ली की सरकार पे अक्सर ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि यहाँ पे फ्रीबीज की राजनीति की जाती है आपको पता है कि हर साल जो है दिल्ली पे एक साल में चालीस हज़ार करोड़ का जो है कर्जा है तो हमें आखिर हम फ्रीबीज जो दे रहे हैं वो कहाँ से देते हैं हमारे टैक्स से देते हैं या फिर हमें कर्ज़ा लेना पड़ता है तो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो हम हम दावा करते हैं कि हम जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं आई में आईएमएफ की रिपोर्ट है लेकिन मेरे ख्याल से जब तक हम अपने आप पे अ, मतलब खुद अपने पैरों पे खड़े नहीं होते हैं, तो फ्रीवीज की हमने बात की और हम बात कर रहे हैं कि पोवर्टी अभी तक तो खत्म नहीं हुई है जी तो आप कैसे काउंटर करेंगे इसको जी मुझे लगता है कि पॉवर्टी हाँ अभी खत्म नहीं हुई है बट अगर हम देखें तो ये जो हम टैक्स भर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक वेलफेयर स्कीम में जा रहा है एंड वो वेलफेयर स्कीम्स कुछ ऐसी हैं जो यू नो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में आपको हेल्प कर रही हैं यूथ को हेल्प कर रही है हमारी कंट्री में हेल्प कर रही हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है जिसमें हम लोगों ने अभी तक ट्वेंटी फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी तक हम लोगों ने एक करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी है जिसमें से 21 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला है तो आई थिंक दैट इज मेक्स अ कंट्री सक्सेस अंट्री ग्रोइंग इकोनॉमी और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल है कुलदीप जी लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल है ऐसा रिया का पॉइंट है तो आप इसको कैसे देखते हैं देखिए पहले तो मैं रिया की एक बात को काउंटर करना चाहूँगा रिया ने बात की है कौशल विकास योजना की मैं उसको फ्रीबीज नहीं मानता हूं क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का एक इन्वेस्टमेंट है जो एक मैन पावर क्रिएट कर रहा है मैन पावर क्रिएट कर रहा है मुझे ऐतराज़ इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरा बिजनेस को आगे बढ़ाएगा मुझे मैन पावर मिलेगी मुझे ज़्यादा मैन पावर मिलेगी मेरा बिज़नेस आगे बढ़ेगा देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी मेरी कमाई बढ़ेगी वो फ्रीबीज नहीं है उसके बाद मैं बात करता हूँ अगर जो अभी आप बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो फ्रीबीज देखिए कहीं ना कहीं भी बेनिफिशियल नहीं है वो कहीं ना कहीं मुझे अगर मैं बीइंग ए टैक्स पेयर एक बात करूं आपने बात की मेरे टैक्स की कि मैं मेरा टैक्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है नहीं right. तो मैं उसी मुद्दे पर आता हूं कि मैं एक टैक्स पेयर हूं मैं टैक्स देता हूं देश को आगे बढ़ाने के लिए देश का देश आगे बढ़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर हो रहा है और मुझे उसके लिए फिर से सड़क पर निकलने के बाद टैक्स देना पड़ रहा है तो मेरे ऊपर डबल बो जाता है मैं कार खरीदता हूं क्योंकि मुझे कार में चलना है लेकिन उस कार को मैंने अपने टैक्स के पैसे से खरीदा है मेरे मेरे टैक्स के पैसे से सड़क बन रही है मैं सड़क कार खरीदते समय रोड टैक्स दे रहा हूँ उससे पहले इनकम टैक्स दे रहा हूँ गवर्नमेंट को और फिर जब मैं सड़क पर चल रहा हूँ तो मुझे टोल टैक्स देना पड़ रहा है सिक्सटी अकेले लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सिक्सटी का टोल टैक्स कलेक्शन है गवर्नमेंट ने वो टोल टैक्स कलेक्शन कलेक्शन इसलिए लिया क्योंकि गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सड़क नहीं बना पा रही है क्योंकि उसको फ्री बाइज देनी है अगर फ्री बाइज ना दी जाती उनसे सड़क बनाई जाती तो मेरे ऊपर वो डबल टैक्स का बोझ नहीं आता तो मेरी मेरी एक लिमिटेड अर्निंग है मेरी एक लिमिटेड अर्निंग में मैं तीन बार अगर टैक्स दे रहा हूँ तो मुझे फ्री बीज क्यों अच्छा लगेगा और मैं फ्री बीज क्यों दूँ आप बताइए प्रवृत्त जी आ, जैसे कि कुलदीप जी ने कहा कि डबल नहीं मैं ट्रिपल टैक्स दे रहा हूँ तो इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं जी मैं उनकी बात पे पहले तो ये काउंटर करना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि फ्रीबीज एक तरीके से मेरा मानना है कि इन्वेस्टमेंट है क्योंकि उन्होंने कहा कि ह्यूमन कैपिटल में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमारा फ़ायदा होने वाला है तो फ्रीबीज में इतनी सारी स्कीम्स हैं जिससे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है जिससे बेसिक रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे ह्यूमन कैपिटल जो कि इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है उसको फ़ायदा हो रहा है इसका एग्जाम्पल है सबसे बड़ा मिड डे मील अगर हम लोग मिड डे मील का एग्जाम्पल लें तो मिड डे मील की वजह से मैल न्यूट्रिशन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी फोर परसेंट जो कि इंडिया की जीडीपी है अभी कम है सिर्फ मैल न्यूट्रिशन की वजह से अगर हम उसी मैल न्यूट्रिशन को पूरी तरह से इराडिकेट कर दें तो एट परसेंट तक हमारे देश की इकोनॉमी ऊपर जा सकती है दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी उज्ज्वला विकास योजना की जिसके कारण हमारे देश में एट करोड़ घरों तक क्लीनर फ्यूल प्रोवाइड किया गया है यानी कि सेवन टाइम्स तक जो फ्यूल यूज़ किया जाता था कोल और वुड के फॉर्म में जिससे पॉल्यूशन ही होता था जिससे हमारा भी नुकसान है उनके साथ वो कम हुआ है तो ये सिर्फ उनका ही फायदा नहीं है बल्कि लॉन्ग रन में पूरे देश का फायदा है नॉट जस्ट इकोनॉमिकली बट ऑल्सो इन्वायरमेंट वाइज साक्षी एक नेशनलिस्ट अप्रोच प्रवरजिया ने इसको दिया आप इस टॉपिक को कैसे देखते हैं उनको कैसे काउंटर करेंगी क्योंकि वो कह रही हैं कि कहीं ना कहीं इसके डुअल बेनिफिट्स हैं आपका ट्रिपल टैक्सेशन शायद हो रहा है लेकिन डुअल बेनिफिट्स हैं पहले तो मैं उज्ज्वला योजना का काउंटर करना चाहूँगी आपने बोला कि यूजनल से सबको फायर मिला और अब लक, लकड़ियों पे कोई खाना नहीं बनाता है बट अगर आप देखोगे एक बार तो उनको फ्री मिल गया है बट उसको रिफ़िल वो नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो एक मिस ही हुआ हमारे पैसों का क्योंकि फ़ायदा तो उससे हुआ ही नहीं एक बार जल जाएगा उसके बाद तो नहीं जल पाएगा तो ये तो मतलब मेरे को नहीं लगता कि फ्री गैस देना चाहिए और जो दिया भी है वो वेस्ट ऑफ मनी है मेरे टैक्स का जो मैं पे कर रही हूँ और दूसरा है कि ये ना जो फ्री चीज़ें मिल रही हैं जैसे कि आपको फ्री गैस मिल गया है या आपको खाना फ्री मिल रहा है राशन फ्री मिल रहा है ये आ, हमको डिपेंडेंट बना रहा है उन लोगों को वो काम के लिए बाहर नहीं निकलेंगे अगर उनको फ्री खाना मिल रहा है तो तो मुझे तो नहीं लगता कि उनको फ्री मिलना चाहिए मैं नहीं कह रही कि आप उनसे ज़्यादा मांगो अब उनसे सच अमाउंट उस फ्री राशन के लिए लो ताकि उनको ये लगे कि हाँ मुझे घर से बाहर निकलना मुझे कुछ काम करना चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि फ्री राशन देना चाहिए वेल well, तो ये थे इनिशियल आर्ग्यूमेंट्स लेकिन कुछ काउंटर्स लेना अभी भी आई थिंक ज़रूरी है अभी मैं आई वॉन्ट टू आस्क यू कि डबल टैक्सेशन ट्रिपल टैक्सेशन ये तो हो ही रहा है ना आपको एक बार टैक्स दे दिया फिर मैं दोबारा टैक्स क्यों दूँ दोबारा टैक्स इसलिए देना चाहिए क्योंकि हमें कुछ चीज़ें बेसिक मिल रही हैं और कुछ चीज़ें एडिशनल मिल रही हैं हर देश में हर इकॉनमी में हर सोसाइटी में होता है जहां हमें बेसिक नेसेसिटीज़ मिलती हैं जिसके लिए हम अपना इनकम टैक्स दे रहे हैं और उसके अलावा सर्विस ऑफ गुड्स टैक्स की वजह से हम और चीज़ें भी अवेल कर पा रहे हैं क्लीनर हाईवेज़ बिगर रोड्स और यहीं से मैं मानता हूँ कि बात एक और की गई थी कि डबल टैक्सेशन से हमें डबल बोझ पड़ रहा है बट आई थिंक उससे हम डबल कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर पा रहे हैं तो आई डोंट थिंक प्रॉब्लम डबल टैक्सेशन की है जिसमें समर्थ है जिसके अंदर हैसियत है उसको देश की उन्नति के लिए एंड देश में वो एक सौ करोड़ वो लोग भी आते हैं जो अभी भी गरीब हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनकी उन्नति के लिए हमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए तो so, देश की उन्नति के लिए हमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए और साथ ही एक और आर्ग्यूमेंट कुलदीप जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो कहा जाता है कि जन धन जो हमारे बैंक अकाउंट्स हैं वो बहुत ही एफिशिएंट है उसकी वजह से देश का पैसा इकोनॉमी में भी आ रहा है तो जो अब तक घर पे रखा हुआ था तो ये दो सवाल आप कैसे काउंटर करेंगे? मेरा फिर से वही कहना है कि जो योजना इन्वेस्टमेंट कर रही है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही है जैसे कौशल विकास योजना थी वैसे ही जनधन योजना है जनधन योजना ने आ, हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट किया है जो पैसा अभी तक घर पर रखा रहता था जो यूज नहीं हो रहा था जो इकोनॉमी से बाहर था जो जिसको इकोनॉमी में फ्लो नहीं हो रहा था वो रोजमर्रा में तो खर्च हो रहा था लेकिन इकोनॉमी में उसका फ्लो नहीं दिख रहा था बैंकों में नहीं जा रहा था तो बैंकों में नहीं जा रहा था तो उस पर आगे इन्वेस्टमेंट के तौर पर बढ़ नहीं रहा था वो पैसा जनधन योजना से बैंकों में आया जनधन योजना के लिए सरकार ने कोई किसी को पैसा नहीं दिया सरकार ने तो ये तो नहीं कहा कि आप पाँच सौ लीजिए और जनधन खाता खुलवा लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट खुला है सिर्फ तो उसमें कोई फ्री बीज नहीं है जनधन योजना को मैं नहीं मानता कि फ्रीबीज है वो इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी को आगे बढ़ाया तो इकोनॉमी को जो चीज़ आगे बढ़ा रही है दैट्स गुड वो इन्वेस्टमेंट है वो फ्रीबीज नहीं है फ्रीबीज बीज वो है जैसे साक्षी ने बात की थी कि आ, फ्री राशन फ्री राशन आप एक लिमिट तक दीजिए ओके बट आपने बोझ बना दिया है तो आप इकोनॉमी पर बोझ बना रहे हैं मेरे ऊपर बोझ बढ़ रहा है आप रोजाना आप मैंने टोल टैक्स की बात की थी टोल टैक्स आप जब लगाते हैं तो मेरा मेरे घर आने वाला राशन महंगा हो जाता है मैं तो महंगा में, राशन ले रहा हूं मेरी सैलरी से, इनका राशन को, दूसरे को फ्री रहे हैं। कही कही एक करने के बावजूद भी ले, सफर करे, और हर तरीके से मतलब महंगाई को झेले और दूसरी तरफ आप वही वो, वो चीजें फ्री बीज के तौर पे फ्री में बांट दें कुलदीप जी आपने बात करी कि चलिए मत करो और इसकी वजह से शायद डिपेंडेंसी भी बढ़ जाए तो क्या ये सही बात नहीं है कि डिपेंडेंसी भी बढ़ रही है डबल टैक्सेशन भी बढ़ रहा है और अभी तक पॉवर्टी खत्म भी नहीं हुई है वेल इसके ऊपर मेरा दो टेक होगा पहला तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ यूएन रिपोर्ट जिसमें डिपेंडेंसी वाली बात पे मैं कहना चाहूँगी कि यूएन के रिपोर्ट के हिसाब से हमारे देश में ट्वेंटी पॉवर्टी लाइन से बाहर लोग आए हैं बिटवीन टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड फिफ्टीन ड्यू टू मनरेगा तो यानी कि डिपेंडेंसी बढ़ नहीं रही है वो लोग अगर बाहर आ रहे हैं पॉवर्टी लाइन से तो वो इकोनमी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्योंकि कल को वो जॉब करेंगे और हर तरीके से टैक्स पे करने से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे दूसरी बात मैं करना चाहूँगी फ्री भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से तो इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट ठीक है यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी आई का अगर आई में लोग बैटिंग कर रहे हैं और उससे हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग बैटिंग पे फोकस करेंगे कि उसे रोका जाए या उसे ठीक किया जाए या कि आईपीएल के गेम को बंद कर देंगे सो इंस्टेड ऑफ़ फोकसिंग ऑन कि उसको सही तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए गवर्नमेंट स्कीम्स को स्कीम्स बंद कर देना सोल्यूशन तो नहीं हुआ आदित्य आप इसको कैसे देखते हैं कि स्कीम्स बंद मत कीजिए आप फ्री बीस देते रहिए टैक्स लगाते रहिए लेकिन एफिशंसी थोड़ी ठीक कर दीजिए तो आप कैसे काउंटर करेंगे मेरा मानना है कि जैसे उन्होंने ये बात कही कि मतलब बेटिंग को मतलब हमें अगर आप, आई पी से दिक्कत है बेटिंग से दिक्कत है तो बेटिंग को खत्म करना चाहिए आईपीएल को नहीं मैं बस इसमें यह ऐड करना चाहूँगा कि देखिए इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री के साथ दिक्कत यही होती है कि हम फ्रीबीज़ वाली पॉलिटिक्स में ज़्यादा उलझ जाते हैं अभी जैसे मैंने आ, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जिसको हम आसियान बोलते हैं वो हमसे बहुत पीछे हुआ करते थे वहाँ पे फ्रीबीज की पॉलिसी नहीं अपनाई गई आज वो हमसे ज़्यादा आगे हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो फोकस होना चाहिए वो इंडिविजुअल को इम्पावर करने का होना चाहिए ना तो कि सवाल भी तो उठता है ना कि वो बहुत छोटे नेशन है टापू नेशन है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है उनका तब क्या करें बट वो एक अलग चीज़ है क्योंकि हमारा भी तो हम तो आ, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ना तो हमारे पास भी तो स्टेट्स हैं छोटे छोटे स्टेट्स हैं उनके लिए जैसे एक कंट्री है हमारी एक स्टेट है तो ये पॉलिसी तो बहुत स्टेट लागू करती है तो बात यहाँ अगर फ्रीवीज की करें ना तो हम कंपेयर कर सकते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से हाँ ये बात है कि भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है लेकिन मेरे ख्याल से वो एक लॉजिक है मतलब जो कि बहुत ज़्यादा रेशनल नहीं है फ्रीवीज एक लॉजिक है रिया जो कि बहुत ज़्यादा रेशनल नहीं है तो क्या आपको लगता है कि इसमें कोई रैशनल है या नहीं मुझे लगता है कि जैसे वो कह रहे हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं uh, वो बिना फ्रीवीज के आगे बढ़ चुके हैं आई थिंक हमारी कंट्री भी आगे बढ़ रही है एंड आई थिंक जो टैक्स हमारा यूज हो रहा है वो एक वेलफेयर स्कीम में ही जा रहा है विच इन लॉन्ग टर्म हमको हेल्प ही करेगा दैट इज़ लाइक एन इन्वेस्टमेंट फॉर अस अगर हम देखें तो 2001 से लेके अभी 2011 तक के सेंसिस की अगर हम बात करते हैं तो फ्री एजुकेशन के जो हमारी स्कीम थी सर्वशिक्षा अभियान उसके तहत हम लोगों का लिटरेसी रेट जो है वो कहीं ना कहीं 64% परसेंट से 74% परसेंट हो गया है तो डेवलपमेंट है हाँ प्रोग्रेस स्लो है बिकॉज साउथ एशियन कंट्रीज़ के मुकाबले हमारा नेशन बहुत बड़ा है एंड आई थिंक उस चीज़ को इैडिकेट करने में कहीं कही ना कहीं टाइम जाएगा टाइम लगेगा जो आप बोल रहे हो और वो बोल रहे हैं कि नहीं फ्री व्यूज़ तो लॉन्ग टर्म के लिए है काफ़ी दिनों से फ्री भी चलती आ रही है न्यूज़ के मुताबिक वो उन्होंने एक जगह गए थे श्रावस्ती वहाँ पर उन्होंने एक एस टी के गाँव में जाके उन्होंने बात करी थी जहाँ पर उन्हें फ्री राशन भी नहीं मिल रहा है ना कोई स्कीम प्रोवाइड हो रही है तो मे भी वहाँ पर मेरे फंड्स का मिसयूज हो रहा है टैक्स का जो मैं पे कर रही हूँ क्योंकि सबको नहीं मिल रही ना अगर वो चीज़ अच्छी है तो सबको मिलनी चाहिए वो भी पॉवर्टी लाइन से भी कहीं ना कहीं ये एफिशिएंसी से रिलेट हो गया पर ये सवाल कि अभी भी आदित्य कि तो और टाइम फ्रीबीज को चलाते हैं अभी टाइम लगेगा वी आर अ बिग कंट्री हाउ डू यू सी इट मेरा तो मानना है कि uh, ये टाइम लगेगा ही इसको कहते हैं स्लो स्लो रेट ऑफ ग्रोथ जो कि इंडिया को हमेशा ही पहले टारगेट किया जाता था तो वही चीज़ है ये टाइम तो लगेगा ये तो पिछले आ, सत्तर सालों से हम सुन रहे हैं टाइम तो लगेगा अब आने वाले सत्तर साल में भी हम सुनेंगे तो मुझे लगता है कुछ तो हमें मतलब रिफ़ॉर्म्स लाने चाहिए फ्रीबीज तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि आर बी जो ऑफिशियल हैं उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि फ्री कुछ भी फ्री नहीं होता है लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ज़्यादा डबल पे करना पड़ता है वही एक हकीकत है तो एक पॉइंट जो बार बार कॉमन निकल के आ रहा है अभिमन्यू और प्रवृत्तिया मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो उतना अच्छा है ही नहीं तो मैं पैसे क्यों दूँ बिल्कुल मैं उनकी बात पर इस चीज़ में सहमत हूँ और मैंने स्टार्टिंग में यही बोला कि हमें प्रॉब्लम फ्री भी प्रोवाइड करने से नहीं है जो लोग प्रॉवर्टी लाइन से नीचे हैं या जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों को देने से हमें प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है वो स्कीम्स जैसे कि मनरेगा हो गया या कोई भी स्कीम जैसे कि मिड डे मील हो गया इनके अंदर जो घोटाला हो रहा है या पॉलिटिकली जैसे अलूर किया जा रहा है लोगों को कि इसके वजह से हमारा वोट बैंक बढ़े उससे लोगों को प्रॉब्लम है सो इंस्टेड ऑफ सेइंग जो मैंने पहले भी बोला कि बैटिंग से प्रॉब्लम है गेम से प्रॉब्लम नहीं है तो गेम मत रोको इन द सेम वे आई वुड से फ्रीबीज नहीं रोकने चाहिए फ्रीबीज यानी कि रिसोर्सेज जो बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड की जा रही है जिनको जरूरत है उन लोगों को उनको ना रोक कर हम लोग इस चीज़ पर फोकस करें और गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए इंस्टेड कि किस तरीके से उन लोगों तक पहुँचे जिनको जरूरत है और सही तरीके से पहुँचे ताकि हमारे पैसे का भी सही तरीके से यूज़ हो कहीं ना कहीं ये दोनों साइड से एक पॉइंट ज़रूर निकल के आ रहा है कि एक तो इम्प्लीमेंटेशन का इशू है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है नीडी को आई थिंक फ्री बीस कहीं ना कहीं दोनों ही पैनल मान रहे हैं कि ज़रूरत तो है तो आइए चलते हमारी ऑडियंस के बाद और उनसे जानते हैं कि उनको क्या समझ में आया इन पॉइंट्स से क्या उन कितना इन्फॉर्मेटिव रहा उनके लिए और क्या उनका पैसा अब इस डिबेट के बाद वो डिसाइड करते हैं कि फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं तो चलिए चलते हैं ऑडियंस के पास और जानते हैं कि क्या उनका पर्सपेक्टिव कुछ बदला इस इंफॉर्मेटिव डिस्कशन के बाद आ, आप अपना नाम बताइए और बताइए कि आ, क्या लग रहा है अब आपका पर्सपेक्टिव कुछ चेंज हुआ ओके okay, मेरा नाम छोटी है और मैंने पूरी डिस्कशन को ऐसे सुना तो मुझे पता चला कि फ्री कहीं से गलत नहीं है लेकिन उसको लागू करने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है हमारे सिस्टम को इम्प्रूव होने की ज़रूरत है जैसे कि सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएँ लागू की जाती है उसमें से एक है किसान कल्याण योजना जिसके तहत आती है फसल बीमा योजना उसमें होता यह है कि अभी मैं पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि लाखों ऐसे किसान हैं जिनकी बीमा हड़प ली गई किसान ये बीमा कंपनियों के द्वारा तो इससे किसान को बहुत हानि हुई तो हमें सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है फ्री गलत नहीं है कहीं ना कहीं नहीं, ये सही है और ज़रूरत है लोगों को आपको क्या लगता है कि आपका पर्सपेक्टिव कुछ चेंज हुआ है वहाँ बात आई कि नहीं ज़रूरत तो है हमें लेकिन आ, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए भी फ्री का इस्तेमाल किया जा रहा है देखिए पूरा ऑल ओवर डिस्कशन से मुझे ये समझ में आया कि फ्री एंड पुअर पीपल दिस इज़ अ विशियस सर्कल जो गरीबों को फ्री देते हैं उससे मे बी इलेक्शन बैंक वो अपना बढ़ाते हैं तो इट्स ऑल अ ट्रैप आई फील कि कहीं ना कहीं फ्री बीज एज अ ट्रैप काम कर रहे हैं कोई कोई पुअर जो गरीब लोग हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है एंड काफ़ी लोग जो हैं उनको शायद उसका मिसयूज़ भी हो रहा है एंड ऑल ओवर ये शायद एक नॉर्मल uh, हमारे जैसे मिड क्लास पीपल को वो है एज अ इनकम टैक्स में एज अ प्रेशर भी पड़ रहा है तो आई फील इट्स ऑल अ विशियस सर्कल एंड मे बी ये अभी नहीं बट थोड़े टाइम बाद शायद इम्प्रूव हो ओके okay. या yeah. पूरे पैनल के डिस्कशन में मैंने देखा कि जो फॉर्म में लोग थे उन्होंने जो आंकड़े पेश किए वो आंकड़े 2013 तक के थे यानी इस सरकार की नीयत पर संदेह कि 2014 के बाद के आंकड़े लापता हैं नया आंकड़ा ये है कि लोकसभा में सरकार ने बताया कि 10 साल के दौरान 14 लाख करोड़ रुपए उन्होंने फ्रीबीज में बांट दिए ये बड़ी कंपनियों के लिए थे किसान भूखे मरे मिड डे मील वाले भूखे मरे उन योजनाओं में गलत है तो फॉर में जो लोग बोल रहे थे उनको नए आंकड़े निकालने चाहिए थे अच्छा आप बताइए क्या आपका कोई प्रस्पेक्टिव चेंज हुआ इस डिबेट के बाद प्रस्पेक्टिव तो चेंज नहीं हुआ लेकिन मैं और रिजिड हो गई हूँ फ्रीबीज को लेके क्योंकि फॉर और अगेंस्ट दोनों को मैं सुन रही थी और मुझे लगा कि कुछ कुछ दोनों को ही समझने की ज़रूरत है फ्रीबीज के लिए प्रभज्ज्या हों अभिमन्यु हों वो लोग सपोर्ट कर रहे थे लेकिन वो ये भूल गए कि राज्य कितने कर्ज में जा रहा है और राज्य जब कर्ज में जाता है तो वो केंद्र से पैसे मांगता है और केंद्र जब पैसे नहीं देती है तो फिर वो पूरी की पूरी जिस तरह से आदित्य ने बोला कि राजनीति होती है श्रीलंका पाकिस्तान ऐसे देश हैं हमारे सामने जो बैंक हो गए वहाँ पर लोगों को खाने के लिए नहीं मिला पानी नहीं मिला और किस तरह से उन्होंने संसद में जाके हंगामा किया और मतलब पूरे दुनिया को उठ के उनकी मदद के लिए आना पड़ा कहीं ऐसा ना हो जैसा एस जयशंकर ने भी कहा आरबीआई की रिपोर्ट भी हमेशा आती रही है कि इस तरह से अगर हम फ्री बीज बांटते रहे आप गरीबों तक पहुँचिए गरीबों को आगे बढ़ाइए लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में जिस तरह से बिजली जिस तरह से पानी और जिस तरह से बसें फ्री की गई हैं महिलाओं के लिए उसकी ज़रूरत है मैं पैसे दे सकती हूँ लेकिन मुझे पिंक कलर का एक टिकट दिया जाता है डीटीसी बस में मैं क्यों मैंने मना किया कि मुझे नहीं चाहिए वहाँ पे जो कंडक्टर बैठे थे उन्होंने कहा कि नहीं हमें तो ये अलाउ ही नहीं है कि महिलाओं से क्यों भाई ये पार्टी की राजनीति है और इसको आपको देखना ही पड़ेगा एक डॉक्टर जो पता नहीं कितने करोड़ रुपए महीने के कमा रहा है उसके अभी अगर 200 यूनिट बिजली नहीं आती है तो उसको फ्री में ही वो सारा कुछ वो यूज़ करता है पूरे साल की बिजली पूरे महीने की बिजली पानी धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं जबकि दिल्ली पानी के लिए त्राही त्राही पीने के पानी के लिए कर रही है ये सारी चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत है तो आई थिंक चाहे फोर हो या फिर अगेंस्ट एक बात पे तो हम सब एग्री करते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल यूज फ्री का होता है तो चलिए क्विक वोटिंग कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या ऑडियंस मानती है कि उनका टैक्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है या नहीं सो so, जो जो फोर में है वो हाथ उठाओ एक दो तीन एंड अगेंस्ट में तो भारी मतों से अगेंस्ट जीत गया वेल वॉट डू थिंक अबाउट इट टेलस इन द कॉमेंट डाउन बिलो एंड कीप वॉचिंग डीएनए फॉर मोर सच कॉन्टेंट